तमाम दर्शक मित्रों का हमारे YouTube मंच पर स्वागत है। कांग्रेस की अधिकार आधारित राजनीति की सोच से गरीबों को मिलेगा फायदा। गहलोत, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को कहा कि कांग्रेस पार्टी की अधिकार आधारित राजनीति की सोच से गरीबों जरूरतमंदों को फायदा मिलता रहेगा। गहलोत ने सोशल मीडिया पर एक बयान साझा कर कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन कभी भारतीय जनता पार्टी भाजपा की प्राथमिकता में नहीं रही, लेकिन राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी अधिनियम के कारण राजस्थान विधानसभा में पेश किए गए लेखानुदान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 15% की बढ़ोतरी हो गई है। उन्होंने लिखा, कांग्रेस की अधिकार आधारित राजनीति की सोच से गरीबों और जरूरतमंदों को लाभ मिलता रहेगा। कांग्रेस पार्टी की अधिकार आधारित राजनीति की आवश्यकता समझाते हुए गहलोत ने लिखा, राजस्थान में कांग्रेस सरकार के 2008 से 2013 के कार्यकाल में हमने बुजुर्गों, विधवाओं, दिव्यांगों के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन शुरू की थी। 2013 में सरकार बदल गई। 5 साल में महंगाई बढ़ने के बावजूद भाजपा सरकार के 5 वर्षों में जरूरतमंदों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। उन्होंने लिखा, वर्ष 2018 में सत्ता में आते ही हमने सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाई। आगे कोई भी सरकार आए लेकिन जरूरतमंदों को तकलीफ ना हो, इसलिए हमने राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी अधिनियम बनाया, जिसमें न्यूनतम रोजगार के साथ सामाजिक सुरक्षा पेंशन में हर वर्ष 15% की स्वतः बढ़ोतरी की व्यवस्था निश्चित की गई। गहलोत के अनुसार इसी कानून के चलते बृहस्पतिवार को विधानसभा में पेश किए गए लेखानुदान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 15% की स्वतः बढ़ोतरी हो गई है। चलिए देखते हैं अगली बड़ी खबर। 12 फरवरी को नीतीश कुमार की बचेगी कुर्सी या लगेगा राष्ट्रपति शासन? चट्टी चौराहों पर एक ही चर्चा, क्या तेजस्वी यादव करेंगे खेला? बिहार की राजनीति पर संशय के बादल मंडराने लगे हैं। इस संशय का आलम यह है कि लगभग दल अपने अपने विधायकों को संदेह की नजर से देखने लगे हैं। हालत ये हो गई कि बिहार की राजनीति पर पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का वह बयान हावी हो गया है जिसमें उन्होंने कहा था कि खेला तो होगा। बिहार के विधायकों की चर्चा दिल्ली से तेलंगाना तक हो रही है। हर पार्टियां अपने अपने हिसाब से विधायकों को एकजुट रखने की कोशिश में है। बिहार विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी के तेवर से सत्ता दल की बौखलाहट बढ़ गई है। ऐसा नहीं कि अविश्वास प्रस्ताव झेलने वाले अवध बिहारी चौधरी कोई पहले विधानसभा अध्यक्ष हैं। इसके पहले विधानसभा अध्यक्ष शिवचंद्र झा, विंदेश्वरी वर्मा और 2022 में बीजेपी के विजय सिन्हा पर भी अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, पर अवध बिहारी चौधरी इस मामले में उन सब विधानसभा अध्यक्ष से अलग हैं। अवध बिहारी चौधरी पहले विधानसभा अध्यक्ष होंगे जो अपने ऊपर लाए गए अविश्वास प्रस्ताव का सामना करेंगे। पत्रकारों से बात करते हुए बिहार विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने साफ तौर से कहा, मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, अविश्वास प्रस्ताव का सदन में सामना करूंगा। शेष विधानसभा अध्यक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने से पहले इस्तीफा दे दिया था। अवध बिहारी चौधरी की ओर से उठाए गए इस कदम के बाद सत्ता दल में भी विधायकों के टूटने का खौफ कायम कर दिया है। अवध बिहारी चौधरी के स्टेप के बाद राजद के वरीय विधायक भाई वीरेंद्र ने भी अपने बयान से सत्ता दल के रणनीतिकारों की धड़कन बढ़ा दी है। भाई वीरेंद्र ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि खेला तो 12 फरवरी को होगा। सीएम नीतीश कुमार भी डर गए हैं, इसलिए भागे भागे पीएम नरेंद्र मोदी से मिलने गए और उनसे कह रहे हैं कि अब हम आपके साथ रहेंगे। दरअसल जदयू के विधायकों में नीतीश कुमार के प्रति काफी नाराजगी है। इसकी वजह यह है कि नीतीश कुमार ब्यूरोक्रेट्स को प्राथमिकता देते हैं। चारों तरफ अधिकारी हावी हैं। विधायक जनता का प्रतिनिधि होता है पर जनता का कोई काम नहीं रहा है, इसीलिए ज्यादा मत बोलवाइए, 12 फरवरी को खेला देखिए और शाम को मिलिए। जेडीयू के मंत्री श्रवण कुमार ने यह कहकर चौंका डाला कि जदयू विधायकों के पास फोन आ रहे हैं, विधायकों को प्रलोभन दिया जा रहा है। साथ ही यह कहा जा रहा है कि विधानसभा अध्यक्ष
अवध बिहारी चौधरी सदस्यता नहीं जाने देंगे, लेकिन जदयू के विधायक मजबूती से उनके प्रलोभन को ठुकरा रहे हैं। इनका मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में पूरा विश्वास है। जदयू के विधायक कहीं नहीं जाएंगे और एनडीए की सरकार को मजबूत करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की माने तो एनडीए की सरकार पूर्ण बहुमत में है। एनडीए के पास सरकार बनाए रखने के मैजिक नंबर से ज्यादा विधायकों का साथ है। ऐसे में एनडीए की सरकार अपनी गति से आगे बढ़ेगी और अगर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के दावे में दम होगा तो अविश्वास प्रस्ताव गिर भी सकता है। यह तभी संभव होगा जब सत्ता पक्ष के विधायक अविश्वास प्रस्ताव के विरुद्ध क्रॉस वोटिंग करें या सरकार बनाने के मैजिक को ध्वस्त करते सत्ता पक्ष के विधायक सदन की कार्यवाही से खुद को अलग रखें, यानी सदन से ही अनुपस्थित हो जाएं। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास दो विकल्प हैं। पहला विकल्प, राज्यपाल के हाथ अपना इस्तीफा दे देंगे। दूसरा विकल्प ये है कि नीतीश कुमार मंत्रिमंडल की बैठक में सदन को भंग कर देने का निर्णय लें और राज्यपाल को इस निर्णय की जानकारी दें। अब राज्यपाल पर निर्भर करता है कि सबसे बड़ी पार्टी राजद को सरकार बनाने का न्योता दें या फिर विधायकों के खरीद फरोख्त को रोकने के लिए राष्ट्रपति शासन लागू कर दें। चलिए देखते हैं अगली बड़ी खबर। संसद में दिखी लोकसभा चुनाव 2024 से पहले की फाइट ब्लैक और व्हाइट। आम चुनाव में जाने से पहले मोदी सरकार ने कांग्रेस को घेरने के लिए इकॉनमी का तीर चलाया है। इसने यूपीए के 10 वर्षों के शासनकाल पर व्हाइट पेपर बुधवार को संसद में पेश किया। उसके जवाब में कांग्रेस ने मौजूदा सरकार की आर्थिक नीतियों पर सवाल उठाते हुए 10 साल अन्याय काल नाम से ब्लैक पेपर पेश किया। व्हाइट पेपर में इसमें कहा गया कि 2004 में वाजपेयी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार ने ज्यादा ग्रोथ की क्षमता वाली इकॉनमी अगली सरकार को सौंपी थी, लेकिन यूपीए के 10 वर्षों के शासन में महंगाई 10% से ज्यादा हो गई, बहुत ज्यादा कर्ज बांटने से बैंकिंग सेक्टर बदहाल हो गया, ढुलमुल नीतियों से कारोबारी माहौल पर बुरा असर पड़ा और कई घोटालों से सरकारी खजाने को बड़ी चपत लगी। श्वेत पत्र में कहा गया, 2014 में हमारी सरकार को बहुत खराब हालत वाली अर्थव्यवस्था मिली, लेकिन मोदी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में कड़े फैसले किए ताकि भारत फिर से तेज ग्रोथ की राह पर आ सके। वहीं 57 पेज के इस ब्लैक पेपर में कांग्रेस ने सिलसिलेवार ढंग से मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों की आलोचना की। इसमें सामाजिक न्याय, महंगाई, बेरोजगारी, किसान, महिलाओं जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने को कोशिश की। पीएम ने हाल ही में देश में जो 4 जातियां महिला, युवा, किसान और गरीब गिनाई हैं, कांग्रेस ने उन्हीं को आधार बनाते हुए सरकार की नीतियों को लेकर निशाना साधा। मोदी सरकार ने श्वेत पत्र में कहा, यूपीए के इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट के चलते मॉर्गन स्टैनली ने भारत को दुनिया की 5 सबसे कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में शामिल कर दिया, लेकिन 2014 के बाद हुए सुधारों के चलते इंडिया अब टॉप 5 अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाने लगा है। अंतरिम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2014 से पहले के आर्थिक हालात पर श्वेत पत्र पेश करने की बात की थी ताकि पिछली गलतियों से सबक सीखे जा सकें। 59 पेज के श्वेत पत्र में कहा गया कि यूपीए सरकार को हेल्दी इकॉनमी मिली थी जो रिफॉर्म्स के लिए तैयार थी, लेकिन उसने अपने 10 वर्षों में इसे नॉन परफॉर्मिंग बना दिया। 2004 में जब यूपीए की सरकार बनी तब इकॉनमी 8% की रेट से बढ़ रही थी, इंडस्ट्री और सर्विसेज सेक्टर की ग्रोथ 7% से ज्यादा थी और एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ 9% से अधिक थी। श्वेत पत्र में महंगाई के मुद्दे पर कहा गया कि 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद किसी भी तरह ऊंची इकोनॉमिक ग्रोथ हासिल करने के लिए मैक्रो इकोनॉमिक बुनियाद को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया गया। वित्त वर्ष 2010 से 2014 के बीच एवरेज एनुअल इन्फ्लेशन दोहरे अंकों में थी। वित्त वर्ष 2004 से 2014 के बीच एवरेज एनुअल इन्फ्लेशन 8.2% थी। इससे तुलना करते हुए मोदी सरकार ने कहा, हमने राजकोषीय अनुशासन पर जोर दिया,
2016 में सरकार ने आरबीआई को यह जिम्मा दिया कि महंगाई को 2-6% के दायरे में रखा जाए। FY 14 से FY 23 के बीच एवरेज एनुअल इन्फ्लेशन घटकर 5% पर आ गई। मोदी सरकार ने बैंकिंग सेक्टर को लेकर भी यूपीए पर तीर चलाए। श्वेत पत्र में कहा गया, बैंकिंग संकट यूपीए सरकार की कुख्यात विरासत थी। वाजपेयी सरकार बनने के समय सरकारी बैंकों के ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स 16% पर थे। जब इसने शासन छोड़ा तब आंकड़ा 7.8% था, लेकिन सितंबर 2013 में रिस्ट्रक्चर्ड लोन सहित यह रेशियो 12.3% हो गया। इसमें बड़ा हाथ इस बात का था कि यूपीए सरकार ने सरकारी बैंकों के कर्ज बांटने में राजनीतिक दखलंदाजी की। मोदी सरकार ने यूपीए पर बैड लोन का आंकड़ा कम करके दिखाने का आरोप भी लगाया। श्वेत पत्र में कहा गया कि विदेशी कर्ज पर बहुत अधिक निर्भरता के कारण यूपीए शासन के दौरान रुपया कमजोर हुआ और 2011 से 2013 के बीच डॉलर के मुकाबले 36% नीचे आ गया। यूपीए शासन में विदेशी मुद्रा भंडार घटने का हवाला देते हुए कहा गया कि सितंबर 2013 के अंत तक फॉरेक्स रिजर्व लगभग 6 महीनों के इंपोर्ट का इंतजाम करने लायक ही रह गया था और यह मार्च 2004 के स्तर से 17% कम हो गया था। श्वेत पत्र में मोदी सरकार के बारे में कहा गया, मार्च 2014 में जो विदेशी मुद्रा भंडार 303 अरब डॉलर पर था वह जनवरी 2024 में 617 अरब डॉलर पर पहुंच गया। भारत का एक्सटर्नल सेक्टर अब कहीं ज्यादा सुरक्षित है। श्वेत पत्र में कहा गया कि यूपीए सरकार ने 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस से निपटने के लिए जो राजकोषीय पैकेज दिया था वह अपने आप में एक समस्या बन गया। इस क्राइसिस का हमारी इकॉनमी पर बुरा असर नहीं पड़ा था। FY 2009 में इंडिया की ग्रोथ घटकर 3.1% हो गई, लेकिन तेजी से रिकवर होकर FY 2010 में 7.9% हो गई थी। इसलिए लक्ष्यहीन राहत एक साल के बाद भी जारी रखने की कोई जरूरत नहीं थी। यूपीए सरकार पर फिस्कल मिसमैनेजमेंट का आरोप लगाते हुए कहा गया कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर ध्यान नहीं दिया गया। 2G घोटाले और पॉलिसी पैरालिसिस के चलते एक कीमती दशक भारत के टेलीकॉम सेक्टर के हाथ से चला गया। अपनी उपलब्धियां गिनाते हुए मोदी सरकार ने श्वेत पत्र में कहा, पिछले 10 वर्षों पर नजर डालते हुए हम संतोष के साथ कह सकते हैं कि पिछली सरकार ने जो चुनौतियां छोड़ी थीं, हम उनसे सफलतापूर्वक पार पा चुके हैं। भारत को 2047 तक विकसित देश बनाना है, यह हमारा कर्तव्य काल है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।